नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में एक साथ कई जेलों में छापेमारी की गई है। डीएमएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है और सभी वार्डों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक साथ बिहार के कई जेलों में ये छापेमारी की गई है, डीएमएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीर आपके सामने छापेमारी के दौरान की, जब एक साथ कई जेलों में छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक साथ कई जेलों में छापेमारी की गई है। औरंगाबाद, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया और बेतिया से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कशिश न्यूज लगातार आप तक ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहा है, जहां पर एक साथ कई जेलों में ये छापेमारी की गई है। मुंगेर मंडल कारा में प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई है। जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में छापेमारी की गई। ये तलाशी अभियान लगभग 1.5 घंटे चला और सभी बैरकों और एक के कैदी को चेक किया गया। कैदियों के वार्ड की स्थिति, सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, वार्ड में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को चेक किया गया है। किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु जेल के अंदर से बरामद नहीं हुई है। तो ये जानकारी आपके सामने मुंगेर से। मुंगेर में आज और मंडल अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ सघन छापेमारी की। जेल के जितने भी वार्ड हैं सभी में पुलिस बल के सहयोग से गहन जांच कराई गई है और ये संतुष्टि की बात है कि कहीं से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं बरामद हुई है। जितने भी चीज़ें हैं उनमें लगभग ऑर्डर भी पाई गई हैं और कहीं पर कोई आपत्तिजनक। खगड़िया मंडल कारा में भी छापेमारी हुई है और डीएम अमित कुमार पांडे और एसपी चंदन कुमार की अगुवाई में बारी बारी से कैदी वार्डों की तलाशी ली गई। हालांकि छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामान तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन 13 कैदियों की गतिविधि संदिग्ध पाई गई है। लिहाजा इन कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने को लेकर विभाग से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया है। डीएम अमित कुमार पांडे ने कहा कि इन 13 कैदियों को दूसरे जेल भेजे जाने को लेकर विभाग से अनुशंसा की जाएगी और इनकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई है। रेड की गई है सभी वार्डों में और उसमें जो प्रतिबंधित वस्तुएं होती हैं उसके लिए हम लोग खोजबीन करते हैं कि कहीं कोई कैदी जो है, चाहे वो विचाराधीन हो या कन्विक्टेड हो, उनके पास कोई संदिग्ध चीज़ ना मिले। जब मिल पाया तो हम लोग उसको जब्त करते हैं। तो इसी क्रम में आज सुबह से छापेमारी की जा रही थी और उसमें वैसा कोई वस्तु नहीं मिला जो प्रतिबंधित होता है, लेकिन उसमें जो गहन जांच पड़ताल की गई और ये पाया गया कि कुछ 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जेल ट्रांसफर करना सही प्रतीत होता है। तो उसकी अनुशंसा हम लोग विभाग को भेज रहे हैं। इसके अलावा कटिहार मंडल कारा में भी छापेमारी की गई है। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीना और एसपी वैभव शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे तक हर वार्ड की सघन जांच की गई, जिसमें कागज में लिखे कुछ मोबाइल नंबर, कुछ धारदार ब्लेड बरामद किए गए। पदाधिकारियों ने जेल में मिलने वाली सुविधाओं की भी जांच की है और साथ ही कई निर्देश भी दिए गए। आज कटिहार जेल में वरीय पदाधिकारियों के आदेश अनुसार हम लोगों ने छापेमारी करी है और ये औचक निरीक्षण था। इसका उद्देश्य ये है कि जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी टाइम टू टाइम अपना इंस्पेक्शन करता रहे और अगर कोई भी जेल कर्मी गलत काम में इन्वॉल्व है या कोई जो एक्यूज अंदर बंद है, उसने कोई सामान रखा हुआ है, तो उसका हमको जानकारी मिले। तो इस बार हम लोगों को कुछ लाइटर वगैरह मिला और कुछ नंबर वगैरह मिले हैं जिसके हम लोग जाँच करवाएंगे और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसको लेकर भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई गुंजाइश ना रखे और जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगातार इंस्पेक्शन करता रहे। औरंगाबाद मंडल कारा में भी छापेमारी की गई है और डीएमएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। सभी वार्डों की तलाशी ली गई है और आपत्तिजनक सामान कोई भी इस दौरान बरामद नहीं मिला है।
तो डीएमएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। स्थिति अच्छी है, हम लोग रूटीन में इंस्पेक्शन करते हैं जेलों का, तो हम लोगों ने अस्पताल का निरीक्षण किया, साफ सफाई भी देखी, सभी कार्य अच्छे से चल रहे हैं, डॉक्टर भी मिलते रहते हैं और कभी भी जांच की गई है तो ऐसा आपत्तिजनक चीज़ें नहीं पाई गई, उनके पास भी पहले बार कभी लोगों ने निरीक्षण किया है, सभी लोग अच्छे से। क्या पाया गया सर? नहीं, कोई आपत्तिजनक सामान उनके पास नहीं पाया। दरभंगा मंडल कारा में भी छापेमारी की गई है, डीएम एसएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है, सभी वार्डों को गहनता से जांचा गया है। दरभंगा मंडल कारा में ये छापेमारी की गई है, ये जानकारी आपके सामने, डीएम एसएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है, सभी वार्डों को गहनता से जांचा गया है। पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, सिटी एसपी और सभी पुलिस बल और पदाधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया गया है और हम लोग सभी वार्ड में जा कर के जितने कैदी हैं, सेल्स वगैरह में जा कर के जांच किए हैं और किसी भी प्रकार का ऑन टू वार्ड्स या कोई मोबाइल इस प्रकार की चीज़ें अभी प्राप्त नहीं हुई है, लगातार निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूर्णिया सेंट्रल जेल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। 2 घंटे तक चले इस निरीक्षण में सभी वार्डों की जाँच की गई। जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जांच के दौरान सभी व्यवस्था बेहतर पाई गई है। लोगों के द्वारा एसपी साहब भी हैं और पूरी टीम है और सभी पुलिस पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी थे और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स भी थी और यहाँ पे जो है औचक निरीक्षण और जाँच किया गया है सभी का, तो टोटल सभी वार्ड में फ्रिस्किंग और सभी चीजें हुई हैं, औचक निरीक्षण किया गया है। इसके अंतर्गत एक रूटीन में ये था और इसमें ये देखना था कि सभी चीज़ें व्यवस्थाएं ठीक से हैं कि नहीं, साफ़ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल की व्यवस्था और ये सब, तो यहाँ पे सभी ठीक ठाक पाई गई हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, कुछ कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए हैं सभी लोगों को। बक्सर सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई है, डीएम एसपी के नेतृत्व में जांच किया गया है और सभी वार्डों की तलाशी ली गई है। ये जानकारी आपके सामने, बक्सर सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई है और डीएमएसपी के नेतृत्व में यह जांच की गई है। आपको बता दें सभी वार्डों की तलाशी इस दौरान ली गई। जैसे कि नियमित रूप से ही केंद्रीय कार्यालय बक्सर में पहले से भी छापामारी की जाती रही है, इस क्रम में जो आज भी छापामारी की गई उसका मेन उद्देश्य यह था कि सभी अपराधी जो वहां पे बंद हैं, खासकर जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में केसों में वहाँ पर बंद हैं, उन पर निगरानी भी रखी जाए, उनकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जाए और उसके बारे में सचेत किया जाए जो कारा अधीक्षक है। जो है लगभग 1.25 घंटे तक केंद्रीय कारा बक्सर में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे, प्रशासन के भी सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। हालांकि कोई भी आपत्तिजनक या फिर ऑब्जेक्शनेबल उपकरण या कुछ भी बरामद तो नहीं हुआ, फिर भी जो है जो अधीक्षक हैं कारा की उनको निर्देशित किया गया। और इन सब के अलावा बाढ़ उपकारा में भी छापेमारी की गई है, प्रशासन की टीम ने जांच की है और हर वार्ड की तलाशी ली गई है। छापेमारी में मोबाइल भी बरामद किया गया है और साथ ही नशे का सामान भी बरामद हुआ। तो बाढ़ उपकारा में छापेमारी की गई है और प्रशासन की टीम ने जांच की है, हर वार्ड की तलाशी ली गई है और इस दौरान छापेमारी में मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, इसके अलावा नशे का सामान भी बरामद हुआ है। चेक करके जांच किया गया और यहां पे एक मोबाइल फोन, नशा करने के आइटम्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स का जो है हम लोग यहाँ से निकाल उसका जब्त किया गया है और इसको जब्ती सूची बना के होंगे आगे विधिवत कार्रवाई के लिए। मोबाइल फोन कहाँ छिपा कर रखा गया था? ये जो सेल है उसके बाहर जो है उस जगह पे ये छुपा के रखे थे, मोबाइल में कोई भी सिम नहीं है। मधुबनी में भी जेलों में छापेमारी हुई है और झंझारपुर और बेनीपट्टी जेल में छापा मारा गया है, डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, झंझारपुर और बेनीपट्टी जेल में छापा और झंझारपुर बेनीपट्टी जेल में छापा मारा गया है, डीएम एसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।